वो भगवान तक पहुंचता है। अम्मी को भगवान का पता पता है। करसन, माँ और बाबू घूंघट क्यों रखती हैं? उनको दूसरों की बुरी नजर ना लगे इसलिए। अरे सच भी नहीं, ऐसे घूंघट का क्या मतलब जिससे उनको ही नजर ना आए। मैं करसन दास मूल जी, जन्म से वैष्णव हूँ, कर्म से ब्राह्मण, स्वभाव से क्षत्रिय हूँ और ध्येय है मेरा शूद्र बनना। इसलिए जहाँ भी गंदगी देखता हूँ उसे साफ करने की कोशिश करता हूँ। भाई थोड़ी चटनी ले लूँ? श्राप लगेगा, अछूत हूँ। थोड़ी चटनी क्या मांग ली, तूने तो जात बता दी। 1862 बॉम्बे। हुकूमत अंग्रेजों की थी पर माना जाता था जे जे को। जे जे हवेली के मुख्य महाराज। भगवान की जगह हम है ना महाराज यदुनाथ, यदुओं के नाथ। तीन प्रकार की सेवा होती है, अपना मन प्रभु को समर्पित करना यानी मानसी सेवा, अपना धन प्रभु कार्य में लगाना यानी वित्तजा सेवा, और अपना तन प्रभु को समर्पित करना यानी तनुजा सेवा। इसे कहते हैं भक्ति की चरम सीमा। जो हवेली में हो रहा है वो गैर कानूनी है, ये सब लोगों के सामने लाना जरूरी है। कोर्ट में मिलेंगे। I've given verdicts in over 200 cases. Never seen people so involved in a case before. गीता पर हाथ रखकर आपको कसम खानी कि कोर्ट में जो भी कहेंगे सच कहेंगे। महाराज कसमें नहीं खाते, महाराज के नाम की कसमें खाई जाती। बोलो यदुनाथ महाराज की। हम इतनी ऊंचाई पर हैं कि कोई मामूली करसन हमें छू भी नहीं सकता है। दास को ऐसा सबक सिखाएंगे कि उसके बाद कोई हवेली की तरफ आंख उठाकर नहीं देखेगा। जिनके लिए लड़ रहा हूं वही दुश्मन बने बैठे, किसके लिए लड़ूं मैं? हर उस औरत के लिए जिसके गले में एक चीख अटकी है। मेरी लड़ाई ना हवेली के खिलाफ है ना किसी संप्रदाय की। मैं आज भी बड़े दिल से माथा टेकता हूँ हवेली की चौखट पर। गर्व है मुझे वैष्णव होने का, और गुस्सा है हर उस व्यक्ति पर जो अपने फायदे के लिए इसकी गरिमा और अस्मिता को ठेस पहुंचाता है। जो 100 सालों से चला आ रहा है उसे आज नहीं बदला तो सदियों तक चलेगा। धर्मगुरु के सिर्फ नाम बदलेंगे, किससे वही रहेंगे।